एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हमारी रेसिपी। आज हम बनाएंगे जलेबी। उसके लिए हमें चाहिए प्लेन फ्लावर और उड़द की दाल जो छिलका उतारा हुआ होता है वो मैंने रात को पानी में भिगोया था, उसका बिल्कुल अभी पानी निकाला है। देखिए अभी इसको हम ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा चाहिए हमें फूड कलर, रेड वाला लिया है मैंने, और थोड़ा बेकिंग पाउडर। चलो आइए इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, जो रेड फूड कलर था वो डाल लेते हैं, क्योंकि रात को लोग बोलते हैं कि रात को भिगो के जलेबी अच्छे बनते हैं। हम फटाफट अभी बनाएंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अभी इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने मिक्स करना है, क्योंकि इकट्ठा पानी डालेंगे तो इसके गांठे बन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको ऐसे मिक्स करेंगे। ये रेडी है, आपने ऐसे ज़्यादा गीला भी नहीं करना, ये ऐसे करेंगे तो टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो जलेबी बनेगी नहीं। अभी हम इसमें मिक्स कर लेंगे ये जो हमने आटा पीस के रखा था। दाल भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से आपने फेंटना है, क्योंकि जितना ये फेंटेंगे उतना अच्छे जलेबी बनेंगे इसमें क्रिस्पी। पानी ज्यादा नहीं डालना है, गीला ज्यादा होगा तो जलेबी बनेंगे नहीं। हमने ये उड़द की दाल और प्लेन फ्लावर अच्छे से मिक्स किया हुआ है। देखिए ये अभी हमारा रेडी है। जलेबी के लिए चाशनी बनाते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम चीनी। और इसमें डालेंगे और 2-3 इलायची मैंने ऐसे कूटा है, ऐसे में डाल देते हैं थोड़ा खुशबू के लिए इसमें। और 2 नींबू, थोड़ा सा नींबू डाल देंगे इसमें। अगर आपके पास नींबू डालिए, नींबू का साथ जो सूखा हुआ नींबू होता है वो भी आप डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि ये डालेंगे तो ये थोड़ा सा जमेगा नहीं तब तक इसको, जब तक शुगर पिघलता नहीं इसको हिला के रहें कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी शुगर में जो गंदा होता है वो दूध डालने से वो सब गंदगी ऊपर आ जाती है। तो थोड़ा सा दूध डालेंगे तो सारा गंदगी ये सब ऊपर आ जाएगा। चलिए अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा हम कटोरे में डालेंगे तो इसके उंगली में ऐसे करके देखेंगे, इसका ये जो एक छोटा सा तार बनता है, अगर बन गया तो हमें जलेबी के लिए एक तार होना चाहिए। हमारा चाशनी रेडी हो चुका है। वैसे तो जलेबी बनाने के लिए कपड़ा स्पेशल बनाते हैं, सिलाते हैं, तो मैंने एक बोतल लिया है सॉस की बोतल। आपके पास सॉस की बोतल है तो इजी से बन सकता है, तो मैं इसके सहारे इसको डालती हूँ, क्योंकि ऐसे डालेंगे तो इजी रहेगा। इसमें मैंने एक पैन लिया है, देखिए मैंने घी डाला हुआ है। आपने थोड़ा चौड़ा वाला बर्तन लेना, जब भी आप जलेबी बनाएंगे जो गहरा वाला बर्तन है उसमें जलेबी नहीं बनेगा, थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। तो घी में जलेबी बनाएंगे तो खाने का मज़ा ही और कुछ है, तो आप भी घी में बनाएं। अगर घी नहीं है तो ऑयल में भी किसी चीज़ का, कोई भी ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चेक कर लेते हैं, हमारा घी रेडी है। बस हमारा घी रेडी हो चुका है। पहले आपने गैस थोड़ा तेज़ करना है, उसके बाद घी गर्म होने के बाद फिर आपने जो गैस का फ्लेम है वो थोड़ा कम करना है। चलो आइए हम जलेबी बनाना शुरू कर लेते हैं। छोटे छोटे जलेबी बना रही हूँ। जलेबी बनाएंगे गर्म गर्म दूध के साथ खाएंगे तो बस मज़े ही कुछ और है। आप भी इस तरह बनाएं, बहुत अच्छा बनता है। देखिए जलेबी को आपने क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है, नहीं तो अगर कच्चा निकालेंगे तो क्रिस्पी आपके नहीं बनेंगे। अब क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करें। बस हमारी जलेबी रेडी हो चुकी है, ये देखिए। ऐसे करके आपने इसको निकाल देना, थोड़ा इसका तेल जो है निकल जाएगा। बस इसको अभी हम चाशनी में डुबा लेते हैं। क्रिस्पी वेरी नाइस बन चुके हैं, देखिए कितने अच्छे हो गए ये। बस इसको हम फटाफट बाहर निकाल सकते हैं, थोड़ा इसमें रख देती हूँ ताकि चीनी का पानी जो है वो निकल जाएगा। बस थोड़ा सा हम इसको पलट लेंगे,
पलटने के लिए, जलेबी निकालने के लिए आप फॉक का भी यूज कर सकते हैं, किसी कोई चीज़ भी आप ले सकते हैं। चलिए अभी इसमें डाल लेती हूँ मैं हमारा गर्मा गर्म जलेबी, देखिए रेडी है। बस मैं इसमें डाल रही हूँ, हमारे जलेबी रेडी है। आप भी इस तरह बनाएं, और थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ता है ना जलेबी बनाने में, क्योंकि बैटर बनाने में भी थोड़ा सा आपने ज़्यादा गीला ना हो उसका ध्यान रखना होता है, और जब हम चीनी का पानी बनाते हैं उसमें भी थोड़ा सा आपने ध्यान रखना, सब चीज़ का ध्यान रखेंगे तो जलेबी बनाना बहुत आसान है घर पर। तो आप भी ज़रूर मेरा रेसिपी आप ट्राई करना, और आपको मेरा रेसिपी पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, तो इतना तो बनता ही है ना, ज़रूर करें। थैंक यू।